नमस्कार साथियों एक बार फिर आपका स्वागत है और अभी के वीडियो में देखेंगे अपन जो एल का पेपर हुआ था 2018 के अंदर इससे पहले के वीडियो जो फर्स्ट पारी हुई थी 12 अगस्त 2018 को फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की ऑफिशियल आंसर की देखी थी अपन ने और आज के वीडियो में देखेंगे 19 अगस्त को पेपर हुआ था सेकंड पारी में चार पारियों में पेपर हुए थे एक फर्स्ट पेपर एक फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड पेपर आठ पेपर हुए थे तो ये थर्ड पेपर है जो उन्नीस अगस्त को हुआ था और इसका फर्स्ट पेपर है हिंदी वो जी और साइंस मैथ्स वाला तो इसके ऑफिशियल आंसर की देखते हैं अपन और ये आगे के एग्ज़ाम के लिए थोड़ा हेल्पफुल रहता है कि जो दिन बोर्ड है ये क्वेश्चन किस तरह से आए हुए हैं क्या हम पढ़ रहे हैं वो सही है क्या इस तरह से भी रहता है तो इसमें बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जीके का है फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट जी के है और बात करते हैं अपन आगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है तो किसकी स्मृति में मल्लिनाथ जी की स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है ठीक है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ और सेकंड क्वेश्चन है परिवशन पर्व किस धर्म से संबंधित है तो यह है जैन धर्म से संबंधित है ऑप्शन नंबर डी इसका सही है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड कि बाण गंगा का मेला कहाँ लगता है तो बाण गंगा मेला लगता है जयपुर के अंदर ऑप्शन नंबर ए सही है इसका ठीक है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ कि निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य का कौन सा एक जिला डेयरी दुग्ध संकलन के प्रथम क्रम में है तो क्वेश्चन नंबर चार के अंदर है सी जयपुर जयपुर इसके अंदर फर्स्ट पर ठीक है? है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ और क्वेश्चन नंबर फाइव ये रहा कि पश्चिमी राजस्थान में दुधारू पशुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक चारा सर्वश्रेष्ठ है तो पश्चिमी राजस्थान कौन सी घास पाई जाती है तो ये पाई जाती है अपनी सेवन घास पाई जाती है बस तो ये वहाँ के लिए उपयोगी है फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स सुमेलित करना है वो वर्तमान नाम और प्राचीन नाम इनको सुमेल असुमेलित सांटना है देखना है अपनों कौन सा असुमिलित है तो ये देखो ऐसु कौन सा है तो गंगानगर है उसको क्या बोलते हैं उदय क्षेत्र बोलते हैं और ये सही है उदयपुर को शिवी बोलते हैं ये भी सही है जो जालोर है उसको स्वर्ण नगर ये भी सही है गलत तो भरतपुर को विराट नहीं बोलते हैं जयपुर को बोलते हैं विराट तो ये इसका डी ऑप्शन जो सही हो जाएगा ये चारों तीन के अलावा गलत ऑप्शन सही आंसर है इसका ठीक है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ और सेवन नंबर क्वेश्चन ये रहा कि राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है तो उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध है सीता माता गांव पर प्रतापगढ़ के अंदर है ऑप्शन नंबर बी इसका सही है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन आच्छादित होना अनिवार्य है तो ये कितने प्रतिशत तैंतीस प्रतिशत पर होना अनिवार्य है ठीक है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ ओ नाइन ये रहा नाइन ये रहा नाइन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है तो द्वारा देखो संगीत राज है संगीत मीमांसा है राजवलभ नहीं है और रसिक प्रिया है तो ये जो सही सी ऑप्शन है राजवल्लभ ये कुंबा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है ऑप्शन नंबर सी सही है क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ चलते हैं निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा ने भील आंदोलन का नेतृत्व किया था डूंगरपुर और भीलवाड़ा के अंदर किसने किया था तो स्वामी गोविंद गिरी ने किया था ये किसने किया था स्वामी गोविंद गिरी ने वहां पर आंदोलन का नेतृत्व किया था डूंगरपुर और बांसवाड़ा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ग्यारह की तरफ हार्डोती संघ का संस्थापक कौन था हार्डुती संघ बनाया गया था तो उसका संस्थापक कौन था तो वो है ए राम शर्मा इसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की तरफ ओ 12 है ये रहा क्या कह रहा है ट्वेल्व कि किसके प्रचार पर, पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया था किसके प्रस्ताव पर सॉरी प्रस्ताव पर तो के एम मुंशी के प्रस्ताव पर ये जो एकीकरण एक किया गया था उसका नाम रखा गया था ठीक है के एम मुंशी के प्रस्ताव ऑप्शन नंबर सी चाहिए इसका बात करते हैं थर्टीन की तरफ क्वेश्चन नंबर थर्टीन जालौर के शासक अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से प्राप्त होती है कौन सा ग्रंथ था वो जिससे वहाँ की तो ये था कान नृदय प्रबंध ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है कि कान नृदय प्रबंध से ये जानकारी मिलती है कि अजालोरू के शासक अलाउद्दीन खिलजी वहाँ के शासक के मध्य युद्ध होता है फिर चलते हैं फोर्टीन की तरफ और फोर्टीन ये रहा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है गेर चंग कच्ची गोरी या चरी नृत्य तो चरी नृत्य किया जाता है वो चरिनत गुजर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है बाकी बात करते हैं फिफ्टीन की तरफ वो फिफ्टीन क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे फिफ्टीन क्वेश्चन है कि बिश्नोई संप्रदाय की संस्था पर कौन थे तो जाम्बोजी थे थी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन की तरफ और सिक्सटीन क्या कह रहा है ये रहा ये भारत की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी ग्यारहवीं की पूछा तो ये थी दो हज़ार सात से बारह ए इसका सही आंसर होगा और दो हजार पंचवर्षीय योजना विशेष समाप्त कर दी गई है और जो लास्ट पंचवर्षीय योजना थी वो थी बारहवीं और दो हज़ार बारह से सत्रह तक उसका समय वो समय था और दो तो हज़ार पंद्रह के अंदर नीति आयोग आ गया था उसकी स्थान पर पंचवर्षीय योजना के स्थान पर नीति आयोग ने स्थान ले लिया था नीति आयोग से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं पूछते ये है कि कभी स्थापना हुई थी ये, कौन अध्यक्ष होता है ये आगे चलते हैं सेवटेन की तरफ निम्न में से राजस्थान के किस जिले में अन्नास बांध परियोजनाएं हैं तो ये बांसवाड़ा के अंदर है अन्नास बांस परियोजना कहाँ पर बांसवाड़ा आगे चलते हैं ऑपरेशन स्वयं एटिन नंबर क्वेश्चन ऑपरेशन स्वयं किसकी घोषणा जिसकी घोषणा दिसंबर दो में की गई थी तो ये वहाँ उस टाइम का करंट था और इसका सही आंसर है रेलवे मतलब मतलब से संबंधित था ऑपरेशन स्वर्ण आगे चलते हैं नाइनटीन कि राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से है उमर मतलब किस क्षेत्र से पर्यावरण से संगीत से हैं या फिर तो यह संगीत से संबंधित है ये भी करंट का क्वेश्चन था उस टाइम पे आगे चलते हैं ट्वेंटी की तरफ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी और क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ये रहा कि जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति का संबंध निम्न में से किस रसायन में है तो कौन से रसायन पे है तो यह है एथोनोल है जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति का संबंध एथोनोल रसायन से संबंधित है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है आगे चलते हैं ट्वेंटी वन की तरफ प्रधानमंत्री वय वंदना योजना आरंभ निम्न में से किस वर्ष किया गया था तो यह किया गया था दो हजार सत्रह के अंदर और ये उस टाइम का करंट क्वेश्चन था फिर यह भी करंट का है कि हेरिटेज वीक 2017 का आयोजन राजस्थान के निम्न में से किस शहर में किया गया था तो यह किया गया था जयपुर के अंदर करंट का क्वेश्चन है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 सूर्य किरण भारतीय सेना का निम्न में से किस देश के साथ किया जाने वाला युद्ध अभ्यास है तो ये भी करंट का है तो सूर्यकरण सूर्य किरण है वो किया जाता है नेपाल के साथ अभ्यास ऑप्शन नंबर सी इसका सही है आगे चलते हैं ट्वेंटी फोर कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा चरण मुख्यमंत्री जल स्वालंबन बयान नवीनतम चरण है तो दो उस टाइम का ये करंट है ये भी करंट है वो तो ये तृतीय चरण चल रहा है चल रहा था उस टाइम पे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना फिर चलते हैं ट्वेंटी फाइव की तरफ ओ ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन ये रहा ये भी करंट का है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव दो हज़ार अठारह के दौरान कर्नाटक के राज्यपाल कौन थे तो ट्वेंटी फाइव के अंदर से आंसर है उस टाइम वज्जूभा वाला थे उस टाइम पे कर्नाटक के चुनाव हुए थे तो वो ये भी करंट करंट के लगभग दस बारह क्वेश्चन आए थे पचास में से अब की बात उतनी ही संभावना आने की आगे चलते हैं ट्वेंटी सिक्स की जनगणना दो हज़ार ग्यारह के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में साक्षरता दर सर्वाधिक पाई गई है जिलों को ज़्यादा से कम साक्षरता दर किस सही क्रम में चिन्हित कीजिए तो ट्वेंटी सिक्स के अंदर है बी कोटा जयपुर झुंझुनू शिकर और अलवर इसका सही आंसर है ये आगे बात करते हैं ट्वेंटी सेवन सही क्रम कौन सा है तो जो सही क्रम चुनिए तो बिसलपुर बांध बनास नदी बना हुआ है मेज़ा बांध खारी नदी भी बना हुआ है और सिद्धमुक्त यमुना पर है पोंग बांध चंबल पर है तो सही कौन सा है तो बिसलपुर बांध है वो जो चंबल नदी पर बनाया हुआ है ये सही है बाकी ये गलत है मेजा बांध कोटारी नदी पर है भीलवाड़ा के अंदर ठीक है इस तरह से आगे चलते हैं ट्वेंटी एट की तरफ और ट्वेंटी एट क्वेश्चन है अपना ये रहा कि राजस्थान में मिट्टी अपर्दन का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पाया जाता है तो ये पाया जाता है हाड़ोती पठार में सबसे ज़्यादा मिट्टी है पदा है, हाड़ोती पठार पर पाई जाती है ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन और ट्वेंटी नाइन क्या कह रहा है कि गगर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिलों में पाया जाता है वह निम्नलिखित में से किन दो नदियों के निक्षेप से बना है तो ट्वेंटी नाइन में है सही आंसर बी गगर और सतलज नदियों के मध्य में ये पाया जाता है इंडियन इकोनॉमिक से भी जो अपन जोड़ सकते हैं इसको थोड़ा गगर और सतलज नदी आगे चलते हैं थर्टी क्वेश्चन थर्टी क्वेश्चन है कि सही समूह को चुनित चिन्हित कीजिए खेतड़ी सिंगाना तांबा ये खान से संबंधित है और खनिज संसाधन संबंधित है तो ये पूछ रहा है सही कौन सा है तो खेतड़ी यही सही है बाकी राजपुरा दरीबा सोना ये गलत है जामरा कोटा लोहा ये भी गलत है और डाबला सिंगाना ये भी गलत है तो सही कौन सा है खेतड़ी की खेतड़ी के अंदर सिंगाना तांबा ये तीनों दोनों तो तांबा की खाने हैं ठीक है आगे चलते हैं अपन थर्टी वन की तरफ वो वन ये रहा ये रहा ये राजस्थान में सरसों के सबसे सबसे बड़े बड़े उत्पादक उत्पादक कौन है तो सबसे बड़े उत्पादक है बी गंगानगर अलवर भरतपुर आगे चलते हैं थर्टी टू की वो टू है केंद्रीय की शिक्षण संस्थान मुंबई के द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार राजस्थान में मत्स्य उत्पादन की वार्षिक क्षमता क्या है तो ये उस टाइम इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आया था और करंट का भी क्वेश्चन था तो थर्टी टू के अंदर है बी अस्सी टन से अधिक मध्य प्रदेश व राज्यपाल की मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कौन सी है और तो ये थी बी चंबल चंबल है जो मध्य प्रदेश वह राजस्थान की संयुक्त परियोजना है फिर आगे चलते हैं थर्टी फोर की तरफ थर्टी फोर क्वेश्चन ये रहा ये कह रहा है कि भारत वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार द्वितीय द्वी वर्षीय मूल्यांकन अवधि 2013-15 में राज्य के वन आसादित क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई थी तो ये थी 85 बी ऑप्शन के सही है उस टाइम पे 84 वर्ग किलोमीटर की वर्दी दर्ज की गई थी यह भी करंट का है। अरावली वन रोपण परियोजना आरंभ की गई थी तो अरावली वन रोपण परियोजना का आरंभ कब किया गया था तो यह किया था नाइन टू थ्री के अंदर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स राजस्थान सरकार द्वारा हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता को कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाता है ये भी करंट का है ओ थर्टी सिक्स के अंदर है बी पच्चीस हजार की राशि दी जाती है हस्तशिल्प कलाकार क्षेत्र में राज्य स्त्री पुरस्कार विजेता आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन थर्टी सेवन है, है राजस्थान के किस योजना द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को मल्टी ब्रांड गुणवत्तापूर्ण उपभोक्ताओं वस्तुओं की उपलब्ध कराई जाती है कौन सी योजना है वो तो इसमें है अन्नपूर्णा भंडारण योजना ऑप्शन नंबर सी इसका जो इंदिरा रसोई योजना थी अब वापिस अन्नपूर्णा कर दिया गया है ये योजना है दो ये दो हज़ार में आई थी तो आगे चलते हैं थर्टी एट की तरफ तो थर्टी एट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि ग्रेनाइट की कटाई एवं पॉलिशिंग की इकाइयों इकाइयाँ राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है तो ये पाई जाती है चित्तौड़ उदयपुर जोधपुर तीनों के अंदर पाई जाती है करेनारी कटाई और पॉलिसिंग की है ठीक है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन और थर्टी नाइन ये रहा कि राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्त्रोत क्या है राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्त्रोत क्या है तो यह तापी ऊर्जा है ये थर्मल पावर थर्मल पावर सबसे ज़्यादा होती है यहाँ पर सौर ऊर्जा जो होती नहीं सौर ऊर्जा की मात्रा कम है सबसे ज़्यादा भी थर्मल पावर हो रही है फिर अब फोर्टी क्वेश्चन निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी शक्ति परियोजना राज्य के साझे स्वामित्व में है तो फोर्टी के अंदर है डी सतपुड़ा परियोजना है जो राजस्व राजस्थान की शक्ति परियोजना राज्य के साथ स्वामित्व की योजना है सतपुड़ा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन खुशखेड़ा जो औद्योगिक क्षेत्र है राजस्थान के किस जिले में है तो खुशखेड़ा कहाँ पर अलवर के अंदर है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी की फोर्टी टू की तरफ और फोर्टी टू ये रहा आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि राजस्थान के किस उद्योग में सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है तो कौन सा उद्योग है ये चमड़ा उद्योग है ये कौन सा उद्योग चमड़ा उद्योग का उपयोग सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है है ना चमड़ा उद्योग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री फोर्टी थ्री ये रहा कि वर्ष दो हजार पंद्रह सोलह में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के वित्त पोषण पैटर्न में केंद्र व राज्य का क्या अनुपात है फोर्टी थ्री तो फोर्टी थ्री के अंदर है ए साठ तो केंद्र सरकार का हिस्सा है वो चालीस है राज्य सरकार का आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर योजना आपण विकास तो आगे खालिस्तान दे रखा है जिसमें हो जाएगा ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विशिष्ट मार्गदर्शिका है ये तो उस टाइम की करंट का क्वेश्चन था इकोनॉमिक सर्वे से आया था आगे चलते हैं फोर्टी फाइव की तरफ फोर्टी फाइव क्वेश्चन ये रहा फोर्टी फाइव है कि राजस्थान के पांचवे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य के स्वयं के शुद्ध का राजस्व के खालिस्तान प्रतिशत हिस्से का वितरण किया गया है तो यह है सात पॉइंट वन ए टू जो वित्त आयोग है वो ठीक है फोर्टी फाइव में ए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स की तरफ और फोर्टी सिक्स है कि राजस्थान में स्कल्चर पार्क निम्न में से किस पैलेस में स्थित है तो यह है माधवेंद्र प्लेस है वहाँ पर स्थित है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन दीपक चाहर का संबंध निम्न से किस खेल से तो क्रिकेट से उस टाइम करंट का क्वेश्चन था आगे चलते हैं फोर्टी एट फोर्टी एट क्वेश्चन है ये रहा कि पोलावरम डैम निम्नलिखित में से किस राज्य का में स्थित है तो फोर्टी एट क्वेश्चन है जो डिलीट कर दिया गया था डिलीटेड फोर्टी एट और आगे देखेंगे फोर्टी नाइन दोनों क्वेश्चन जीके के थे दोनों क्वेश्चनों को डिलीट कर दिया गया था चंद्रभा समुद्री तट भारत के किस राज्य में स्थित है यह भी इंडिया इकोनॉमिक इंडिया जोग्राफी था ये भी डिलीट कर दिया गया था बोर्ड के द्वारा और जी का लास्ट क्वेश्चन है आज का फिफ्टी और यह है पुस्तक जुडिशियल रिफॉर्म रिसेंट ग्लोबल ट्रेंड्स के लेखक कौन है तो यह है अपने सी दलवीर भंडारी ये भी करंट का क्वेश्चन जोधपुर के हैं दलवीर भंडारी जो इंटरनेशनल कोर्ट है द हेग नीदरलैंड में वहाँ पर ये जज है बाहर की तरफ से तो उस टाइम बने थे ये तब ये करंट का क्वेश्चन था दो के अंदर तो ये है अपना जीके का पार्ट और अब देखते हैं अपन ये मैथ्स का आ गया मैथ्स के बाद मैथ्स नहीं देखेंगे अपन देखेंगे साइंस का पार्ट इसके अंदर तो साइंस की तरफ चलते हैं अपन और साइंस देखो मैथ इसलिए नहीं कर रहे हैं अपन क्योंकि मैं ऐसे आंसर की नहीं देख रहे अपन कि क्या था वो सोल्व करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा इसमें और साइंस ये रही तो आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड वन और ये साइंस का पार्ट है साइंस का क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी विशेषता पेरिस्कोप को बनाने में काम आती है यह है परावर्तन पेरिस्कोप समुद्र में बनता है तो वो उसमें परावर्तन का यूज होता है परावर्तन अभिक्रिया क्रिया वन हंड्रेड टू क्वेश्चन नंबर एक आपतित किरण एवं समतल दर्पण से प्रावर्तित किरण के मध्य का कोण साठ डिग्री है परावर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष किस कोण से विचलित होगी तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए 120 डिग्री से आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 कि एक गुलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये होते हैं 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 एक में ए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 कि नेत्र लेंस एक अपारदर्शी जिल्ली पर बनी गई बनी बन गई है जो कि दृष्टि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है इस नेत्र दोष को कहते हैं इसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष क्या बोलते हैं जरा दृष्टि दोष फिर चलते हैं वन हंड्रेड नहीं इसके अंदर यह होगा ऑप्शन नंबर अपना क्वेश्चन नंबर चार है इसका सही आंसर होगा मोतियाबिंद एन नहीं होगा तो नेदरलैंड्स पर अपारदर्शी झिल्ली बन गई है जो कि दृष्टि दोष दृष्टि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती तो मोतियाबिंद होता है ये सही आंसर क्या होगा मोतीबिंद 105 की तरफ चलते हैं 105 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी प्रतिबिंब बनता है जो हमेशा बिंब से छोटा ही बनता है तो यह एक अवतल लेंस पे क्या होता है एक अवतल लेंस पे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड सिक्स कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल क्या कहलाता है तो वो कहलाता है सी सही आंसर क्या है सी खुले परिपथ में दोनों टर्मिनो के बीच की अधिकतम वोल्टता है आगे चलते हैं वन हंड्रेड सेवन और सेवन क्वेश्चन है कि दस एम्पियर की धारा के एक द्वारा एक घंटे में स्थानांतरित आवेश की मात्रा क्या होगी तो ये होगी तीन पॉइंट छः मल्टीप्लाई टेन की पावर सी टेन पावर टेन टेन पावर फोर बी ऑप्शन इसका सही है आगे चलते हैं वन हंड्रेड एट और यह है एट चित्र चित्र में तीन एक, एक समान बल्ब एल वन एल टू एल थ्री एक विद्युत स्त्रोत से जोड़े गए हैं यदि बल्ब एल थ्री बुझ जाता है तो एल वन एल टू के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये ओह तो इसका सही आंसर होगा बी बी होगा सही आंसर इसका बी एल वन का प्रकाश घटेगा एल टू का बढ़ेगा ठीक है आगे चलते हैं वन हंड्रेड नाइन कि सूर्य का व्यास एक पॉइंट चार मल्टीप्लाई टेन की पावर नौ मीटर और इसकी पृथ्वी से दूरी दस की पावर ग्यारह मीटर है तो दो मीटर की फोकस दूरी के एक जल उत्तर लेंस के द्वारा बनाए गए इसके प्रतिबिंब का व्यास क्या होगा तो यह सी दो पॉइंट आठ सेंटीमीटर होगा ये एक सौ नौ में सी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड टेन एक सौ दस की तरफ और एक सौ दस क्वेश्चन ये रहा कि घरों में अधिकतम पंद्रह धारा के लिए विद्युत वितरण परिपथ में फ्यूज तार बना होता है तो फ्यूज तार बना होता है सैंतीस प्रतिशत शीशा होता है और तिरसठ परसेंट टिन होता है उसके अंदर जो फ्यूज तार होता है उसके अब ये डिप्ली पूछा था ये आगे बात करते हैं वन हंड्रेड इलेवन एक जनितर में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नियम उपयोग किया जाता है तो ये किया जाता है फ्लेमिंग का दाएँ हाथ का नियम फिर है क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड ट्वेल्व निम्नलिखित में से किस घटना या कार्य में विद्युत चुंबकीय के प्रेरण का उपयोग किया जाता है कौन सी है वो? तो वो है डी कच्चे लोहे के एक टुकड़े को दारा प्रवाहित परिनालिका के अंदर रखकर चुंब चुंबकित करने में आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एक सौ और एक सौ क्वेश्चन ये रहा प्रतिरोध करता है कि इकाई क्या होती है तो ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था डिलीटेड है ये क्वेश्चन साइंस का आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक सौ चौदह प्रकाश का उसके मैंने प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन क्या कहलाता है तो यह कहलाता है वर्ण विक्षेपण क्या कहलाता है वर्ण विक्षेपण फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिक, वन फिफ्टी वन फिफ्टीन पी एस एल वी रॉकेट में इस्तेमाल किया जाता है तो पी एस एल क्या इस्तेमाल किया जाता है तो दोनों ठोस तथा द्वि द्वि तरल प्रणोदक यूज में किया जाता है आगे चलते हैं वन हंड्रेड सिक्सटीन कौन से बहुलक प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं कौन से बहुलक हैं जो प्राकृतिक प्राकृतिक रूप से तो स्टार्च व सेलुलोज हैं जो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाते, है? तो है से पाए जाते है। आगे हैं आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन और क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन ये रहा कि गर्म विधि से किसी तेल या वसा के साबुनीकरण के लिए खास्ता विलयन काम में लिया जाता है एक सौ सत्रह में यह भी डिलीट किया गया था क्वेश्चन साइंस का साइंस से दो क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए हैं बाकी चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक सौ अठारह उत्पादक उत्पादक गैस निम्नलिखित का मिश्रण होती है तो यह होती है सी ओ टू प्लस एन टू ऑप्शन नंबर एस इसका सही है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक सौ उन्नीस जल गैस मिश्रण है तो जल गैस जो मिश्रण किसका मिश्रण है तो यह है सी ओ व एच टू का है ये सी ओ प्लस एच टू ओ एच टू क्वेश्चन नंबर एक सौ बीस सी तलको का फियोन समूह क्या है तो इसका क्या है एक सौ बीस के अंदर सही आंसर ए ज्वलनशील एवं मध्य विशेला होता है ये सही ऑप्शन एक सही है एक सौ बीस आगे चलते हैं एक सौ इक्कीस की तरफ सौ इक्कीस है कि निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अपचयोपचयी अप, अप नहीं है तो कौन सी नहीं है तो सी यह अभिक्रिया है जो अप अपचयोपचय क्रिया नहीं है आगे चलते हैं वन एक सौ बाईस काटने के पश्चात शेब का भूरे रंग में बदलना कौन सी क्रिया है तो यह रासायनिक क्रिया अभिक्रिया एक सौ बाईस में बी रासायनिक अभिक्रिया है फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक सौ तेईस अभिक्रिया एन ने टू एन ए प्लस सी एल टू तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी इसमें तो की संख्या होगी सी एक पॉइंट दो सौ चार मल्टीप्लाई टेन की पावर ट्वेंटी फोर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक सौ चौबीस और एक सौ चौबीस ये रहा कि निम्न में से कौन सी विषमागी उत्प्रेरण का उदाहरण है तो यह सी सी है जो विष्वांगी उत्प्रेरणा है अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो इसको आप पोज करके सोल्व भी कर सकते हो अपनी स्तर पर कौन सी है बाकी मैं आंसर की बता रहा हूँ आपको आगे बात करते हैं ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी फाइव कि उत्प्रेरणीय अभिक्रिया हेतु तो सही संबंध सही खतन कौन सा है तो यह है उत्प्रेरक अगर व से दोनों अभिक्रियाओं को समान रूप से प्रभावित करता है आगे चलते हैं एक की तरफ और एक सौ छब्बीस क्वेश्चन ये रहा कि तांबे के बर्तनों पर नीले रंग नीले हरे रंग का आवरण किस रसायन के बनने से कारण जमता है ये होता है सी यू ऑप्शन नंबर सी यू सी ओ थ्री ऑप्शन नंबर सी इसका सही है आगे चलते हैं एक सौ सत्ताईस और एक सौ सत्ताईस पोटेशियम धातु को अधिक के वायु में जलाने पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड बनता है तो ये बनता है सी के ओ टू आगे चलते हैं एक सौ अट्ठाइस एफ ई एक्स फोर आ, एक्स ई एफ फोर की संरचना क्या है तो ये वर्गाकार समतली है क्वेश्चन है ये भी साइंस की है लेकिन ये थोड़े हार्ड है तो बात करते हैं किस रक्त समूह को सार्वजनिक दाता कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर यानी वो सब सब कोई सा ग्रुप समूह उसको दे सकता है तो यह है सार्वदाता सार्व किस रथ समूह को सार्वजनिक दाता कहा जाए डोनर उन्नीस से डोनर तो डी तो है ओ नेगेटिव ओ नेगेटिव डी ऑप्शन एक साथ सही है फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर वन थर्टी और वन थर्टी है यह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी चावल की किस्म एक प्रसिद्ध जेव पेटेंट है तो कौन सी है सी है बासमती है जो जेव पेटेंट है सी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है विटामिन सी की कमी से तो ये होता है बेरी बेरी रोग कौन सा नहीं इस्कर रोग होता है सॉरी इसक्र रोग होता है बेरी बेरी तो विटामिन बी बी की कमी से होता है इसक्र रोग होता है वन एक सौ बत्तीस में 132 एक सौ बत्तीस एक पारितंत्र में लगभग कितने प्रतिशत ऊर्जा एक पोष स्तर से दूसरे पोष स्तर पर पारित होती है तो ये दस प्रतिशत होती है 132 एक सौ बत्तीस में ए दस प्रतिशत ऊर्जा मतलब एक स्तर से दूसरे स्तर में जाती है तो दस प्रतिशत उस ऊर्जा उस जो उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है एक सौ तैतीस एमोन एमोनोकारक जीवाणु परिवर्तित करते हैं तो ये करते हैं एक मिनट एक सौ तैंतीस में है एक सौ तैंतीस में ए व्यर्थ को अमोनिया में व्यर्थ को अमोनिया में फिर एक सौ तैंतीस के बाद चलते हैं एक सौ चौंतीस की तरफ और एक सौ चौंतीस क्वेश्चन ये रहा कि भारत वर्ष में कितने वर्ष तक बायोपेटेंट पर वायु बायो रहता है तो ये रहता है बीस वर्षों तक कितने बीस वर्षों तक बायोपेटेंट रहता है फिर चलते हैं एक सौ पैंतीस की तरफ और एक सौ पैंतीस क्वेश्चन है जीव में यकायक पैतृक परिवर्तन को क्या कहते हैं तो ये कहते हैं बी उत्परिवर्तन क्या बोलते हैं उत्परिवर्तन आगे चलते हैं एक सौ छत्तीस एक सौ छत्तीस है वर्मी कंपोस्ट एक पर्यावरण अनुकूलन खाद मानी जाती है जो प्राप्त होती है तो के से प्राप्त होती है ऑप्शन नंबर सी इसका सही है फिर है क्वेश्चन नंबर एक सौ सैंतीस और एक सौ सैंतीस है प्रक्रिया पु, में खालिस्तान होता है तो यह होता है प्राग कोष हटाते हैं फिर चलते हैं एक सौ अड़तीस की तरफ और किस नंबर एक सौ अड़तीस ये रहा निम्न में से किस जीवाणु से प्रतिबंधित एग्जाम प्राप्त होते हैं और ये क्वेश्चन में डिलीट किया गया था डिलीटेड है ये एक सौ अड़तीस एक सौ उनचालीस मेंडल ने मटर के अलावा एक और पादप पर कार्य किया था वह पादप कौन सा था तो वो था हरी हिरेशियम हिरेशियम तब है उस पे भी एक्सपेरिमेंट किया था 140 नंबर क्वेश्चन कौन के जाल को अभिरंजित नहीं कर सकते तो 140 के अंदर ए क्रिस्टल वायलेट से किससे क्रिस्टल वायलेट से फिर है 141 दो अथवा अधिक भिन्न अनुवांशिकी युक्त पादपों को क्रॉस कर फसल की नई किस्म का निर्माण क्या कहलाता है तो यह कहलाता है संकरण हाईब्रिडिशन फिर चलते हैं एक निम्नलिखित निम्न में से कौन सा एक गैस प्रकार का चक्कर नहीं है तो यह फास्फोरस चक्कर नहीं है ऑप्शन नंबर सी एक सौ है कौन से कौन से भारतीय वैज्ञानिकों को 2016 हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था तो ये थे खोलो फे में शामिल होने वाले बी यू आर राव इनको दो करंट का क्वेश्चन है वो फिर चलते हैं एक सौ छियालीस एक सौ तेयस एक सौ चौवालीस की तरफ एक सौ चौवालीस ये रहा कि भारत का पहला सार्वजनिक इंटरनेट सेवा प्रदाता कौन सा था तो ये था विदेश संचार निगम लिमिटेड बी एस एन एल बी एस एन एल बाद में आया था पहले बी एस एन एल था फिर है एक सौ पैंतालीस ओ एस आई ओ एस आई मॉडल की फिजिकल लेयर में खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है तो यह होता है कोएक्सल केबल का इसका प्रयोग किया जाता है आगे चलते हैं एक सौ छियालीस इसरो के वाणिज्य शाखा का क्या नाम है तो यह अंतरिक्ष आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सैंतालीस एक सौ सैंतालीस खालिस्तान एक खुला ओडीएम संबंधित प्रा ऑडियो संबंधित प्रारूप है तो कौन सा है ओग वोर बीस ऑप्शन नंबर बीस का सही है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक सौ अड़तालीस वो एक सौ अड़तालीस है एक सौ अड़तालीस एक सौ अड़तालीस निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है तो ये डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर है ये सॉफ्टवेयर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये पूछा है सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है तो डिवाइस ड्राइवर ये बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आगे चलते हैं वन फिफ्टी नाइन और वन फिफ्टी नाइन क्वेश्चन ये रहा कि मैप डोनेट जी आई एस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कालिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है तो ये करता है विंडोज़ पर और आज का लास्ट क्वेश्चन साइंस का और पेपर का भी एक एस सेट राजस्थान के लिए उपग्रह है तो मौसम पूर्वानुमान के लिए ये उपग्रह है ठीक है साथ के? तो ये था जी के प्लस साइंस का पेपर और मैथ्स का इसलिए नहीं किया कि उसका थोड़ा सोल्यूशन करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा उसका तो ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज और अभी के लिए इतना ही थैंक यू सो मच